वीडियो देखने से पहले जल्दी से इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। हम में से बहुत लोग होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता है कि आखिर हम अपने स्किन केयर रूटीन में क्या क्या लगाएं। बहुत से लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, कुछ से कुछ लगाने लगते हैं स्किन पे और उसका नतीजा जो होता है बिल्कुल बेकार होता है। पिंपल्स निकल जाते हैं, अगर वो बचना चाहते हैं पिंपल्स से, ठीक करना चाहते हैं, उसकी जगह पे पिंपल्स ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट उनके स्किन के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा है। पर ये वाओ ने एक पैकेज निकाला है जिसमें आपको तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं और ये तीनों आपको बड़ी ही सावधानी से यूज़ करना है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कैसे क्या यूज़ करना है और क्या मेरे ऊपर क्या रिज़ल्ट रहा और मेरे जानने वालों के ऊपर कैसा रिज़ल्ट रहा, ये सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ स्टेप वन, यानी कि फेस वॉश। सबसे पहले आप इससे अपने फेस को क्लींस करेंगे, साफ करेंगे अपने फेस को। ये फोम बेस है और इसमें सैल्सिलिक एसिड मिला हुआ है और आप में से सभी लोग ये जानते होंगे कि सैल्सिलिक एसिड पिंपल्स प्रोन एक्ने प्रोन स्किन के लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना इफेक्टिव है। ये हमारे स्किन से एक्सेस ऑयल डर्ट सेबम को रिमूव करता है। इसमें नेचुरल नीम और बेसिल एक्सट्रैक्ट भी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है। इसको आपको क्या करना है ना कि आपको अपना फेस जो है, अगर आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप आपके स्किन पे है, तो आप सबसे पहले कह सकती हूँ किसी भी क्लींजर से पहले अपने स्किन को अच्छे से मेकअप रिमूव कर दीजिए। या आजकल मसलर वॉचर आ रहा है, उससे आप अपने स्किन में जो भी मेकअप है उसको रिमूव करिए। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, सिर्फ एक पम्प की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पम्प आप लेंगे इसका और इसके बाद पूरे चेहरे पे इवनली आप स्प्रेड करोगे अपने पूरे फेस पे। आप थोड़ा सा मसाज दोगे, लिटिल बिट मसाज देना आप, और उसके बाद आपको 20 सेकंड तक, इसमें लिखा हुआ है 20 सेकंड तक आपको एज इट इज़ उसको छोड़ देना है। एज इट इज़ छोड़ने के बाद आप आराम से इसको वॉश कर लीजिए और इसका बस वॉश कर लिया आपने। अब इसका जो नंबर टू स्टेप है वो है ये। एक्चुअली मुझे ना यूनिक फॉर्मूला नज़र आया इसमें। ऐसा सिरम तो हम सभी में देखते हैं, फेस वॉश तो होता ही होता है, एक्सफोलिएटिंग जेल है, बट ऐसा मत समझिएगा इसमें बीट्स होंगे, स्क्रब होगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें आपको छोटे बीट्स ज़रूर नज़र आएंगे बट ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये बीट्स हैं ही नहीं एक्चुअली। जब आप स्किन पे लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अपने आप आपकी स्किन में मिलता चला जाएगा। तो ये बीट्स नहीं है, जस्ट जेल फॉर्म में है। ये है, ये आपके चेहरे से ऑयल जो है उसको रिड्यूस करता है, एक्ने बैक्टीरिया को जो है ख़त्म करता है, किल करता है और ब्रेकआउट होने से बचाता है। उसके बाद थोड़ा सा माइल्ड पीलिंग करता है आपके फेस पे और इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। फ्रेंड्स, ग्लाइकोलिक एसिड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके डार्क स्पॉट है, कुछ भी है, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट में ग्लाइकोलिक एसिड मिला हुआ है तो वो आपकी स्किन पर बहुत अच्छा काम करने वाला है। जी हाँ, तो अब दूसरी चीज़ है सैल्सिलिक एसिड, इसमें भी मिला हुआ है, और नीम एक्सट्रैक्ट इसमें भी है, और प्योर टी ट्री ऑयल है इसमें। आप फेस वॉश करने के बाद कोई एक टाइम ऐसा चुने, या तो सुबह का चुन लें या रात का चुन लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप रात का चुनते हैं। मैं भी इसे रात में ही लगाती हूँ। एक्चुअली एक ही बार लगाना है इसे, क्योंकि ये हमारे स्किन पे पीलिंग इफेक्ट देता है। अगर हमने दो टाइम इसको यूज़ कर लिया तो हो सकता है हमारी स्किन ड्राई हो जाए, इसमें से पीलिंग हमारे स्किन पे होने लगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए इसने कहा है कि सिर्फ दिन में एक ही बार आपको इसे यूज़ करना है। और एक ही बार यूज़ करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो नाइट का टाइम होता है, क्योंकि हम इस समय सोने जाते हैं और हमारी स्किन पे काफ़ी अच्छा ये वर्क कर सकता है। फेस वॉश कर लिया आपने, उसके बाद चेहरे को अच्छे से पैक ड्राई कर लो आप। उसके बाद इसे इतना अमाउंट पे ले लो जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद अच्छे से स्किन पे आप मसाज दो इसका। मसाज दिया आपने अच्छा सा, मसाज देने के बाद आपको क्या करना है कि इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको छोड़ना है, बट मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड करती हूँ कि आप थोड़ी देर तो इसे अपने स्किन पे, आई थिंक 1 मिनट तो वर्क ज़रूर करने देना, बिकॉज 1 मिनट तो रहना ही चाहिए स्किन पे, उसके बाद ही आफ्टर इफेक्ट इसका आएगा। थोड़ा सा ये कह सकते हैं हल्का सा गर्म पानी, हल्का सा बिल्कुल, जो चेहरे पे ज़्यादा गर्म ना हो, वो आपको लेना है और उससे आपको फेस वॉश करना है, इसमें ऐसा लिखा है। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। अब जो तीसरा स्टेप है वो ये है, ये सिरम है। और
या आपकी स्किन पे ग्रीजीनेस नहीं आने देता, ऑयल नहीं दिखता आपकी स्किन पे, और विदाउट ग्रीजीनेस आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। इसमें हालोनिक एसिड मिला हुआ है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हीलिंग, हमारी स्किन की हीलिंग को, जो कैपेसिटी है हमारी स्किन की, उसको बढ़ाता है ये एसिड। और ये जिस भी सिरम में आपको मिले वो महंगा ही होता है, जनरली मैंने ये देखा है, तो ऐसे तो बहुत कम सिरम में ये मिला होता है, पर इसमें मिला हुआ है तो ये प्लस पॉइंट है इसका। और नीम और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। आपने दिन में क्या किया, इस फेस वॉश को किया, इस सिरम को लगाया और ऊपर से अपना मॉइस्चराइजर लगाया, या जो कुछ भी आपको लगाना है, मेकअप करना है या सनस्क्रीन लगाना है, वो आप लगाएं और बाहर जाएं। और रात में क्या करना है, इस फेस वॉश पहले तो अपना मेकअप रिमूव करें किसी भी क्लींजर से, आफ्टर दैट इस फेस वॉश से वॉश करें, इस एक्सफोलिएटर से एक्सफोलिएट करें, आफ्टर दैट इस सिरम को स्किन पे अप्लाई करें, फिर अपना प्यारा सा मॉइस्चराइजर या कोई भी क्रीम जो आपको आप लगा कर सोते हैं वो लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको दिखा दिया इस प्रोडक्ट को, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। अगर ख़रीदना है तो ये तीनों साथ में ख़रीदें तो बहुत प्रॉफिट होता है, अदरवाइज़ अगर हम अकेला अकेला इसको परचेस करते हैं अलोन अलोन, तो आई थिंक सिंगल सिंगल तो महंगा पड़ता है। बताती हूँ कैसे। ये फेस वॉश है राइट, इसका ये जो है इसकी क्वान्टिटी है 100 ml, देखने से भी लग रहा होगा आपको 100 ml क्वान्टिटी है, चल जाता है एक से डेढ़ में, एक महीने तो चल जाएगा, हाँ एक महीने आराम से चलेगा ये। ये जो इसकी जो प्राइस है वो 401, समझ लीजिए 400 रुपये इसकी प्राइस है, 400, ठीक है। अब आते हैं एक्सफोलिएटिंग जेल की तरफ, तो ये थोड़ा ज़्यादा बचा है क्योंकि मुझे एक टाइम यूज़ करना होता है, तो ये आपका 2 महीने चल जाएगा, तो पैकेट खरीदने का, पूरा पैकेट खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है नेक्स्ट मंथ। तो ये जो आता है ये 800 का, 799 का आता है, इट मीन्स 800 का ये आता है, ये जेल, सिंगल जेल। अब इस सिरम की अगर मैं बात करूँ, ये सिरम जो है ये भी 799 का है, ये भी 800 में आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये तीनों का प्राइस मिलाकर क्या पड़ रहा है, तकरीबन 2000 रुपये की कॉस्टिंग आ रही है राइट। बट वाओ ने क्या किया है, इन तीनों को मिलाकर इसका जो एक अच्छा सा पैकेट तैयार किया है, ट्रीटमेंट पैकेट, उसका जो उसकी जो प्राइस है वो सुनकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999, जी हाँ 1000 रुपीज़ के अराउंड है इसकी प्राइस। बट आप अगर ऑनलाइन परचेस करने जाते हैं तो और भी सस्ता आपको मिल जाता है, ये 100 रुपीज़ आई थिंक, और भी मुझे तो 899 में मिल गया था ये, राइट 899 में मिला था मुझे, आपको भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। मैंने जब लगाना शुरू किया तो इससे जो स्किन है आपकी, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग आप फील करते हैं जब आप इसे इसको जब स्किन पे लगाते हो, तो थोड़ा सा एक कह सकती हूँ एक थोड़ा सा जलने वाला हल्का सा आपको लगेगा, कुछ टिंगलिंग सा कुछ सेंसेशन हो रहा है आपकी स्किन पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हटाते हो तो कोई भी रेडनेस कुछ भी नहीं आता, बहुत अच्छा काम करता है ये, बिल्कुल फ्रेश स्किन, आपके चेहरे पर कोई भी ऑयल नहीं बसता, कुछ भी नहीं रहता, पूरी स्किन जो है होती है वो फ्रेश फील करते हो आप। और दूसरी चीज़ है ये एक्सफोलिएटिंग जेल, ये क्या करता है, ये थोड़ा सा जब आप लगाओगे थोड़ा ग्रीजी ग्रीजी फील होगा, आप जब लगाओगे बहुत ज़्यादा, मतलब मसाज करते जाओगे, तो ये इसको जब आप गर्म पानी से वॉश कर लेते हो ना अपने फेस को, तो आप अपना फेस देखना बिल्कुल भी ऑयल नहीं रह जाता, डर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, पर थोड़ी सी जो डार्क स्पॉट है ना, इसको जब आप रिपीटेडली कुछ दिनों तक यूज़ करते जाओगे ना, एक हफ्ते 15 दिन अगर आपने यूज़ किया इसे, तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इसमें जो डार्क स्पॉट्स हैं आपके वो फेड होने लगते हैं, और जो ब्लैकनेस है आपके पिंपल्स में, जो पिंपल्स के जो डार्क स्पॉट पड़ते हैं उस वो जो ब्लैक होने लगता है, उससे काफ़ी हद तक ये आपको बचाता है। और तीसरी चीज़ है ये सिरम, ये सिरम जो कि बहुत अच्छा इसमें इन्ग्रीडियंट मिला हुआ है फ्रेंड्स, तो मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे अपना फेस तो बिल्कुल भी ग्रीजीनेस नहीं है, चिपचिपा नहीं लगेगा, बहुत आप छूओगे अपने स्किन को टच करोगे तो बहुत अच्छा फील आएगा, लगेगा ही नहीं आपने कुछ भी लगाया है। ऐसे हम जनरली सिरम लगाते हैं तो थोड़ा सा एक ऑयली आ जाता है इफेक्ट, थोड़ा सा तो दिखता है कि हाँ हमने कुछ लगाया है, बट इसको लगाने के बाद ट्रांसपेरेंट फील आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है उनके लिए भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि मैं नए नए प्रोडक्ट का रिव्यू करती रहती हूँ इस चैनल पे, तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा।
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।